वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आज व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, एक्चुअली आज संडे था तो अभी बज रहे हैं अप्रॉक्स सुबह के 11:30 और हम जा रहे हैं अपने कुछ ख़ास दोस्त से मिलने। तो आप भी देखते हैं, डन। यार ये धूप ने तो बिल्कुल वही रखकर रखी है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। मेरे को एक एक चश्मा लेना पड़ेगा लगता है, आप सजेस्ट करो क्या चश्मा ले सकता हूँ मैं, कौन सा ले सकता हूँ। एक ब्लैक चश्मे की मेरे को रिक्वायरमेंट लग रही है, बाकी देखते हैं क्या सीन है। मुझे तो आज ऑटो मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है, संडे का दिन ऐसा लगता है। चलो फाइनली यार मिल गया, एक सेकेंड। संडे की वजह से पूरा रोड आज खाली है, जैसे कि अपन रोज आते हैं स्टोरों में तो ऐसा लगता है कि कौन सा मतलब वो चल रहा है। अफकोर्स सारे लोग जॉब पे जाते हैं, इस वजह से आज पूरा रोड खाली है, कोई है नहीं है दिखाने वाला समझने वाला। करेक्ट, सवारी नहीं मिल रही है, धीरे रुक रुक के चल रहे हैं एक एक बंदा, इस वजह से लग रहा है। आप लोग देख सकते हो मैं अभी नोएडा सेक्टर 15 और अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनसे मिलने जा रहा हूँ, काम है मेरे को बहुत। आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग तो साथ ही हो, आगे मैं आपको दिखाता रहता हूँ क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या है और कुछ जाने का नहीं, प्रोग्राम बन रहा है सबका, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं और जो होगा आप लोग को इस साथ में देखने वाले हैं, तो दिखाता हूँ मैं बेस्ट। राइट, ओके। वाले ने हम लोगों मुझको ऐसे ही रोड पे उतार दिया, पता नहीं क्या कह रहा था कि कोई पुलिस वाले आने जाने नहीं दे रहे हैं, आगे रिक्शा स्ट्राइक बंद है, तो हो सकता है कि रिक्शा स्ट्राइक बंद हो, और आई डोंट नो, मैं तो कभी कभार ही आता हूँ और उसमें भी इतनी धूप, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। पर गाइज आप लोगों को तो पता ही है, चलने का तो मज़ा ही अलग है, और भीड़ कैसे उसको ना ऐसे ही ठीक है, अगर उसमें ट्राईपॉड में पकड़ते हैं ना, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरे को क्या कोई निकाल ना ले जाए क्या आप लोगों को भी लगता है क्या ऐसा कमेंट में लिखिएगा, है ना, ज़रूर। और मेट्रो मेरे को बहुत दूर दिख रहा है, जहाँ पे आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, मेरे को भी दिख रहा है पर बहुत दूर दिख रहा है, जूम करके दिखाया मैंने आपको। बाकी सुबह सुबह का मार्केट है, खुल रहा है, सारी दुकानें अभी तो बंद हैं, सब लग रही हैं मार्केट वगैरह, ऐसा लग रहा है कि अभी मॉर्निंग में लग रहा है, संडे का समय है तो लेट ही शायद खुलता होगा, क्योंकि हम कभी आए नहीं इस साइड सुबह मॉर्निंग में, शाम को ही आना होता है, और बस मैं पहुंच ही रहा हूँ, चलने का सीन है। गाइस हम आए हुए हैं अभी हाल फिलहाल शहीद भगत सिंह सेना शूटिंग रेंज नोएडा, यहाँ आए हुए हैं और आज कुछ ये प्लान है हमारा करने का, के सामने सैंडी भी आया और हम चलाएंगे गन्स, ओके गन्स चलाएंगे और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस मिलता है, एंड शेयर करते हैं आप लोगों को, डन। फिर से रह गया, सैंडी का लग रहा है कि ये बड़ी मुश्किल लगा रहा है, क्यों अब्दुल सही कह रहा है क्या, इसके बस की नहीं है भाई भाई इसको कैसे गाइस, पहले आपको इसको पूरा नीचे करना है यहाँ पे, ओके
जब कट आवाज आई ओके छोड़ दिया, फिर आप इसमें ये डालें शॉर्ट, ये गया अंदर ठीक है, उसके बाद थोड़ा पीछे हो जाए ओके, लोड सही थे, हाँ लोड हो गई भाई, पोजीशन में आ जाओ ब्रो, पोजीशन में आओ ब्रो, अरे उधर 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 भी हम लोग बाहर निकल आए हैं और ये है मेरा शूटिंग, इतनी हो पाया क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट टाइम था तो नाइस एक्सपीरियंस, अच्छा लगा। और इसका नाम क्या था, शहीद भगत सिंह सेना शूटिंग रेंज, तो हाल फिलहाल तो ये कर लिया है, देन अब करते हैं क्या करना है, अभी हम और लेट हो जाएंगे लगता है, क्योंकि हमारी स्कूटी में लॉक लग चुका है और वो खुल नहीं रहा है, चाबी एक्चुअली में हमारे पास जो है चाबी तो है बट इसका जो लॉक होता है ना ये एक्चुअली लॉक लग गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला लॉक लग गया है और इसमें चाबी में ऐसा लॉक है नहीं है, क्योंकि ये चाबी है जो वो लोकल है तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, तो ये लॉक खुल ही नहीं रहा है, तो इसी वजह से अब और टाइम लगेगा यार, और लेट होने में और लेट हो गए, लगता है चाबी मिल गई है, अरे इससे नहीं होगी, खुल जानी चाहिए, हो गई खुल गई, तोड़ मत यार, खुल गई है फाइनली, खुल गई, थैंक यू दादा, दादा ने मदद कर दी, फाइनली मिल गए रोड पे भाई, जेपी एक्चुअली एक दोस्त का क्या है, मार्केट है तो वहीं पे अपन जा रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ, मतलब पसीना तो मेरे को आ ही रहा था, गर्मी लग रही थी काफी, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और क्या, पहुंच गए भाई जेपी, दिस इज जेपी मार्केट, तो अभी हम आए हुए हैं कुछ खाने पीने, तो यहाँ से कुछ चीज़ें ले रहे हैं, खा पी लिया है अभी मैंने हाल फिलहाल, और मैं निकल रहा हूँ कुछ प्लान, वहाँ पे जाके आपको बताएंगे कि किस तरीके, मतलब कि क्या चीज़ क्या प्लान है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बनाया तो अभी मेरे को तो कुछ आइडिया है नहीं है, बताया है तो देखो जैसे पहुँचते हैं तो मैं आपको, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लोग, अभी कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई भारत मॉल, भारत मॉल वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी कौन सी मूवी कर रहे हो, चल वहीं बताओगे क्या, यार ये तो मूवी जा रहे हैं सडनली, प्लान पता नहीं क्या ही बना रखे हैं, एक्चुअली कुछ डिसाइड वगैरह नहीं था तो इस वजह से, मेरे को तो इन्होंने बताया नहीं कुछ, इन्होंने मेरे से कहा कि आ जाओ शूटिंग पे चलते हैं, मतलब वो बंदूक वाली, तो शायद अब्दुल का होगा मेरे पास, मेरे को पता नहीं था, तो चलते हैं वहीं मिलते हैं, अभी मोदी मॉल है ना, अरे अब्दुल भी आ गया, अब्दुल बताएगा हम लोग कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, अब्दुल हम लोग कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, दो मूवी है अभी, एक तो इविल डेड राइज है और एक है
किसी का भाई किसी की जान। तो हम लोग कौन सी देखने जा रहे हैं अभी? हम तो जा रहे हैं भाई इविल डेड राइज देखने। अच्छा जी, कैसी है वो? वो हॉरर है ब्रो। हॉरर है? थोड़ा हॉरर हो जाएगा, मजा आ जाएगा यार। हॉरर मूवी देखते हैं भाई, वो तो ऊपर जाके लेंगे। अब मुझे पता चलेगा कैसी है, मैंने तो देखता हूँ भाई। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ से है। अभी तो चेकिंग भी होगी यार। अपना सामान इसी में है ना भाई? चलो तो आज कुछ टैरो कार्डिंग करवा लो भाई, जिसको अपने बारे में जानना है तो वो जान ले। अब भाई कहाँ चलना है भाई? वहीं चलते हैं। हाँ सही बात है। तो अभी जा रहे हैं हम मूवी देखने, हमारे साथ अभी राज भाई भी हैं, बिल्कुल, जिनका ये चैनल है, भाई को सपोर्ट करो। पहली बार मॉल पे आए हम लोग, हमें पता नहीं है, गांव से पहली बार हम मॉल में आए हैं। हम लोग अभी मूवी देखने आए हैं, वो उसका नाम है इविल डेड राइज। मेरे तो फर्स्ट टाइम है, देखता हूँ, हॉलीवुड की मूवी है तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, और आपको जेन्यून शेयर करूँगा मैं रिव्यू एंड रेट, राइट? तो मिलते हैं मूवी के बाद। अभी टाइम अप्रॉक्स मूवी 7:30 बजे का स्लॉट मिला है हम लोगों को, बुकिंग हुई है टिकट, और अभी काफ़ी टाइम है, अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 3:40, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, देखते हैं कुछ करते हैं, कुछ एक्साइटिंग, कुछ अच्छा करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे वीडियो। या तो मैं अभी आया हूँ शकील, राइट? तो अपन जा रहे हैं अभी अंदर, देखते हैं क्या सीन है इसके आगे। ओह नाइस नाइस, क्या हुआ? ऊपर तो अपने को जाना है अभी ऊपर। नाइस लाइट, हे कहाँ ले आए भाई? शिकिन लेके आए हैं आप? ऑलराइट नाइस, तो हम आ गए हैं अभी खाने के लिए। सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो सर्विंग कम ऑन गाइस, टूट पड़ो टूट पड़ेगा इसमें, डुबकी मार देंगे। खाना खा के बात करते हैं। हाँ क्या कह रहे हो भाई, डुबकी? क्या डुबकी मार देंगे इसमें? अरे नहीं नहीं, चलिए खाते हैं। तो अभी आई है हम लोग यहाँ पे पेट्रोल डलाने, स्कूटी में, स्कूटी पर तो पेट्रोल डलाने आए हैं। तो हाल फिलहाल अपना टाइम हो रहा है घर निकलने का, बस बाकी मैं आती सारी चीज़ें। क्या क्या कह रहे हैं आप? पेट्रोल भरा रहे हैं, वो भी पावर पावर वाली है, उड़ेगी। करेक्ट, हम इनसे कह रहे हैं कि ढंग से पकड़ के कस के बैठना। हाँ बिल्कुल, मतलब इतना पावरफुल है आपका पेट्रोल, बहुत बढ़िया, पर दाम बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो दादा। चलो ठीक है, मिलता हूँ आपसे। वहाँ से आ गए थे अप्रॉक्स, अभी टाइम हो रहा है 10:44,
अप्रोक्स 10 मिनट पहले मैं यहाँ पे आया हूँ। वो मूवी वगैरह मैंने देखी, काफ़ी ठीक थी मूवी ऑन एन एवरेज। और फैन निकल के मेरे को सैंडी ने छोड़ दिया था सेक्टर 16, तो वहीं पे मैं आके देन ऑटो से मैं घर आ गया था। तो आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, करेक्ट? और इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ और देन मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई पिकनिक, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। अरे कर दो सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे मजा आने वाला है। तो जुड़े रहिए फ्लाई विद अभिराज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।